पीएस न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नौ यूथ विंग रियाज रीजन की जानब से कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर कश्मीरी ब्लैक डे के हवाले से मजमती तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नौ यूथ विंग के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज से आबर शमून चांद की इस रिपोर्ट में। तकरीब में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर मलिक अहमद हुसैन ने कहा कि हम आज योम सियाह के मौके पर मकबूजा कश्मीर के आवाम को सलाम पेश करते हैं जो 9 लाख भारतीय फ़ौज के साथ डटकर अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग रियाज रीजन के सदर फैसल वाला का कहना था कि जम्मू कश्मीर के बहादुर आवाम की कुर्बानियों को खराज तहसिन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आवाम हक खुददार अदियत के लिए उनके मुनसफाना जदोजहद में उनकी इखलाकी सियासी और सफारती हमायत में साबित कदम रहे हैं। तकरीब से आबद हुसैन भट्टी, खुसरो जान और शेख असलम राही और देगर ने खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीरियों को उनका हक़ खुददार अदियत दिलाने में अपना तामीरी करदार अदा करें। रिपोर्ट आबद शमून चांद, पीएस टीवी रियाज़।